Hey, welcome back, interesting peoples, to another video. You are watching Let's Play with your interesting host. So, without further delay, let's get started. तो आज हम खेलने वाले हैं मिनी माइनी टीनी टाइनी माइनक्राफ्ट, फिर से वो भी सर्वाइवल मोड में. और आज हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले. तुम लोग सोच रहे होंगे स्टीव तो उछल क्यों रहा है. तो स्टीव को मैंने बोला था आज मैं तेरे को भी इंट्रो बोलने का चांस दूंगा. तो स्टीव शुरू हो जा. Hey guys, मेरा नाम है स्टीव और मैं हूँ माइनक्राफ्ट का रहने वाला. और मेरे घर का नाम, मेरा पेट नेम है रुकजा स्टीव. इतना मत बता, मैं तो सिर्फ इंट्रो देने को बोला था, तो भी पूरा उसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री सब बता देगा. सो रुक जा, बाद में कभी और. सो गाइस, चलिए हम बात करते हैं आज हम क्या करने वाले. आज मैं बनाने वाला था एक कासल. तो फिर मैं चलो आपको दिखाता हूँ मैंने जो कासल बनाया है. तो 1, 2, 3 चलो मैं चलते हैं कासल की तरफ. ओके, कहाँ है कासल हमारा. टन टन, तो ये रहा हमारा कासल, दुनिया का सबसे अनोखा सबसे अच्छा कासल. तो पहले स्टीव तो अपना फेस. हाँ, तो मैं आपको अभी इस वीडियो से दिखाता हूँ. तो मैं पहले दिखा देता हूँ मैंने ऑफलाइन क्या क्या किया. तो मैंने ऑफलाइन गया था माइनिंग करने, तो मेरे को थोड़ा सा ये मिला और बहुत सारा कोल मिला था. तो आधा से ज़्यादा कोल मैंने फेंक दिया क्योंकि मेरे पास स्टोरेज कम थी. और ये देखो, मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स जनरेट किए हैं क्योंकि कासल बनाने के लिए ये बहुत यूज़ आने वाले हैं. जो मैं दिखाऊंगा तुमको मैंने क्या क्या करा है. और ये देखो, ये तुमको जगह दिख रही है ना, ये जो प्लेन लैंड, ये मैंने करा है इतना सारा. और जो तुम्हें ये दिख रहा है ये सब चीज़ें, ये मैंने कासल का आउटलाइन है, इसी के ऊपर वो बिल्ड होने वाला है. ठीक है, तो मैं और दिखा देता हूँ तुम्हें और क्या क्या किया मैंने. इतनी सारी जितनी भी जगह है ना, यहाँ पर पूरा माउंटेन था, मैंने उसको पूरा क्लीन किया. उसमें से मेरे को बहुत सारा कोल वगैरह तो मिला था, पर मैंने कोल को पता नहीं मेरे कहाँ चला गया, पर मैंने वो संभाल के रखा है आयन ओर. और ये यहाँ पर भी है माउंटेन, बाद में हम इसे भी देखेंगे. यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी कोल है बहुत सारा, उससे थोड़ा एक्सपी मिलेगा. तो चलो पहले एक्सपी लेते हैं और फिर और आगे का प्रोसीजर बताता हूँ आगे क्या करने वाले हैं हम. पहले इसे तोड़ ले स्टीव. एक्सपी मिल रही दबा के, 6 हो गई, मेरे एक्सपीरियंस हो गया. ओके चलो, हो गया इतना एक्सपीरियंस का. नहीं ना, तो पानी के आसपास हम चलो थोड़ा सा खाने के लिए कुछ बना लेते हैं. मतलब खाने के लिए सीड्स वगैरह डाल देते हैं. से मैं तो बना तो सकता हूँ वहाँ पे भी, पर मेरे को भी बकेट बनानी पड़ेंगी जिसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो कभी और कर लेंगे. उससे पहले हम लोग चाहते हैं पहले होए बनाते हैं अपने लिए. और फिर मैं तुमको समझाता हूँ इसमें मैं कैसे बनाने वाला हूँ अपना कासल. चल स्टीव, जल्दी जल्दी चल, रात होने से पहले. मेरे को एक बेड भी लाना है वहाँ से, अलग कलर वाला. यहाँ पे पूरे दोनों वाइट कलर का ही है मेरा. उससे पहले मैं ये जो डायम ओर है इसे मैं बर्न करने के लिए डाल देता हूँ. जा तू आ जा बाहर. इसे संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि इसका हमें ये बनाना है, स्टोन ब्रिक्स जो मैंने बनाया है नीचे, वो देख सकते हो तुम लोग. वैसे हम बहुत सारे बनाने वो ऐसे बनाते हैं ना, मेरे को याद भी नहीं है. अरे होए होए होए, स्टोन होए, जिसके लिए कॉबल स्टोन लगेंगे. हाँ भूल गया था, तू आ जा इधर, तू आ जा, कॉबल स्टोन होए. तो चलो अभी सबसे पहले हम अपने वहाँ से जो चेस्ट है उसे तोड़ के लाएंगे. और ये मेरे को ये विलेज ना बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार आया था यहाँ से. जंप मारू क्या मैं? अगर तुमको लगता है, अगर तुम लोग मेरे को लगता है अगर मैं ऐसे जिंदा बच के आऊँगा तो तुम गलत हो, क्योंकि मेरे को पता है. ये देखो, इतनी दूर से गिर गया मैं तो मेरे को लग गया, तो इतनी दूर से तो क्या ही होता मेरा भाई. ये यहाँ पे भी केव्स, बहुत सारे केव हैं यहाँ पे. माइनिंग तो दबा के कर सकते हैं यहाँ पे. बिल्ली तेरे को बाद में टेम करने आऊँगा यार, मेरे पास शॉवल नहीं है. पिकेक्स भी, हट जा यार, हट जा, मरना चाहता है तू.
वही सब आगे 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 तो खाना नहीं है, ऊपर से मैं चोट खा रहा हूँ। फिर कौन सा मिले मतलब कौन सा था मेरे को याद भी नहीं है, मे बी इधर इधर ही था। 2 hours later स्टार्टिंग में ही मैंने रखा था किधर ही। ओके ये है क्या? हाँ यही है, यही विलेज मतलब यही घर है वो। जी तू भी आ जा मेरे साथ, बेचारे विलेजर्स आयरन गोलम अकेले फाइट कर रहे हैं। ओके हमें मिल चुका है हमारा पहला शिकार, इसने हमें बहुत मारा है। पहले एनिमी को हमने मार दिया है, मेरे को थोड़े से सीड्स चुराने पड़ेंगे इनके घरों से या फिर इनके फार्म से। तुम भाई ये भाई सब मरने वाला हूँ मैं, खाना खाना पड़ेगा, कुछ खा लेते हैं। ओके थोड़ी बहुत हड्डी आ गई, रिस्पॉन पॉइंट यहाँ पे सेट हो गया। शेट अभी हमें उसे मारने जाना है, बस थोड़ी दिल आ जाए हमारे पास। One eternity later. मैन गोलम क्या कर रहे है यार, तू मार उसको। ओ भाई साहब मार दिया। इसे तो मार के रहूंगा मैं, मार दिया आखिरकार। ऐसे मैं नीचे क्यों गिर रहा है तू? ओ ये यहाँ पे फार्म्स का ओके चलो बाद में हम इनके सीडी इनको वापस कर देंगे, पर अभी मेरे को ज़रूरत है इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। बाय बाय विलेजर। ओ भाई सब घोड़ा है यहाँ पे, अरे मेरे पास लीश नहीं है यार, शिट। तो मैंने टेम कर लिया रहता उसको। ओके ओके टन 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 टन, गिरना नहीं पानी में निकल नहीं पाऊंगा। और खत्म हो गया तो मैं पहले इसके इसके पाव बना लेता हूँ, पाव बन गया बहुत सारे। ओके एक बच गया, ठीक है चल जाएंगा काम। तू जा इधर। ओके हो गया, रात नहीं हुई क्या? बारिश बारिश से बहुत परेशानी होती है यार। तो मेरे को क्या बनाना था ये बताना था, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ब्लॉक्स लगाए हैं। तो इसके बाद यहाँ से ये ब्लॉक से लेके यहाँ तक मैंने 10 ब्लॉक्स लगाए हैं, फिर यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक 15 ब्लॉक्स, फिर ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक भी पूरा सेम है। और जो ये यहाँ पे कोई लकड़ी का दिख रहे ना, यहाँ पे मैं से से, से, से टावर्स खड़े करने वाला हूँ यहाँ इसके लिए भी। यहाँ पे पूरे टावर्स लगने वाले हैं, ये मैं लकड़ी का हटाने वाला हूँ, बस ये आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया है। और यहाँ पे गेट रहेगा, ये एंट्रेंस एंट्रेंस, इसके बाद यहाँ पे टावर्स, ये 4 टावर्स, इसके बाद यहाँ पे मेन टावर रहेगा जहाँ पे हम रहेंगे, फिर उसके ऊपर एक टावर बहुत ही खतरनाक बनाने वाला हूँ मैं, इससे भी रात होने वाली। तो
So that's it for today's guys. If you like the video, don't forget to hit the subscribe button. Also comment me down if you want more story based games or not. And